उदाहरण एक, एक भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल, आकृति में ए बी भवन की ऊंचाई है। भवन ए बी के पाद बिंदु बी से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु सी से भवन के शिखर ए का उन्नयन कोण कोण ए सी बी बराबर 45 अंश। मान लीजिए भवन की ऊंचाई मान लीजिए भवन की ऊंचाई h मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 45 अंश, जो कि होता है tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी। या tan 45 अंश का जो मान है, हम लिखेंगे tan 45 अंश बराबर ए बी, हमारा जो है वो भवन की ऊंचाई है जिसे हमने h मीटर माना है। तो ए बी के स्थान पे h बटा बी सी जो है वो 15 मीटर है, तो बी सी के स्थान पे हमने 15 लिखा। या tan 45 अंश का जो मान होता है, हम जानते हैं एक होता है, बराबर h बटा 15। चूँकि हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान एक होता है, तो हमने tan 45 के स्थान पे एक लिखा। तो इसीलिए जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो h का मान हमारे को 15 मीटर मिलेगा। इस तरह से हमने भवन की ऊंचाई ए बी जो है, जो कि हमने h मीटर मानी थी, वह 15 मीटर ज्ञात की। अतः भवन की ऊंचाई पंद्रह मीटर है। तो इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।